सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चतरा में तेज रफ्तार कुल वाहनों का आतंक बदस्तूर जारी है। बीते रात सिमरिया बगरा मुख्य पथ स्थित दुंदवा और बन्हे गांव के समीप कोल वाहन से घटी दो अलग अलग घटनाओं में एक दैनिक अखबार के पत्रकार समेत चार लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दैनिक अखबार के पत्रकार सिमरिया चौक से देर शाम अपने घर जा रहे थे, इसी दौरान बन्हे गांव के समीप तेजी से आ रहे कोल वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं बगरा से सिमरिया की ओर आ रहे बाइक सवार तीन लोगों को भी तेज रफ्तार कोल वाहन रौंदते हुए तेजी से भाग गया। घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजन और ग्रामीण समेत पत्रकारों ने शव को सिमरिया पुलिस चौक पर रखकर सड़क को जाम कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता और सिमरिया विधायक कृष्ण कुमार दास ने शोक जताया है। देखिए, हम लोग के यहाँ एक बड़ी दुखद घटना घटी। आप ही के पत्रकार साथी, हम लोग के साथी और मेरे तो अभिभावक तुल्य थे, शशि भूषण सिंह जी, जिनका जो है सो कोल वाहन के चपेट में आ जाने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई घटनास्थल पर ही। हम लोग बड़ी भारी मन से इस धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग अपनी मांग को लेकर, हम लोग चाहते हैं कि उनके आश्रित जो परिवार हैं उनको एक सम्मानजनक जीवन यापन के लिए हम लोग जो भी सहायता कर पाते हैं कर पाएंगे, इस धरने के माध्यम से करेंगे, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी देर हो चुका है, पुलिस प्रशासन की तरफ क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए, अभी तक तो कुछ आश्वासन नहीं। हम लोग तो कल 8 बजे जैसे घटना घटी है, 8 बजे से हॉस्पिटल में ही हम लोग जो हैं लगातार बने हुए, लेकिन अब तक प्रशासन के तरफ से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया है और हम लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि लोग आएंगे, हम लोग की मांग पूरी होगी। देखिए, हमारे यहाँ माइंस खुला, तो माइंस खुलने के बाद ट्रांसपोर्टिंग के लिए तो इसी तरह से एक्सीडेंट होने के कारण उपायुक्त हजारीबाग उधर से ट्रांसपोर्टिंग रोड को बंद कर दिए। 12,000 से 15,000 पर डे कोयला इसी रोड से निकल रही है, लोकल सेल से, और लोकल सेल निकलने के चलते कोल वाहन की संख्या अभी आप खुद ही देख रहे होंगे कि कितनी लंबी जाम है, और आए दिन बराबर किसी न किसी का दुर्घटना हो ही जा रहा है। कल का दिन तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि हम लोगों के बीच में एक पत्रकार शशि भूषण बाबू, जो सभी के हृदय में थे, उसको कोयले वाहन ने कल मार दिया, और वही गाड़ी आगे जाकर भी तीन आदमी को और मारा। तो इस रोड से जो कोयला वाहन चल रहा है, इसका मुआवजा जो मृतक परिवार है उचित मुआवजा मिले, यह सीसीएल प्रबंधन को अतिशीघ्र कर देना चाहिए था। और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उन लोगों का अभी तक तो सहयोग सकारात्मक है, और हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, समाजसेवी हैं, और सभी की इच्छा एक ही है कि मृतक परिवार को, आश्रित को कुछ सम्मानजनक मुआवजा मिले जिससे उसके परिवार का परवरिश हो सके। आए दिन कोल वाहन से सड़क हादसे होते रहते हैं, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 700 ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, क्या कहते हैं इसके बारे में? इस क्षेत्र में जितना उग्रवादी लोगों का हत्या नहीं किया है उससे बेसी कोल वाहन यहाँ के लोगों का हत्या किया है जब से ही खदान खुला है। और इसमें प्रोविजन था, पिछले दिनों भी आप लोग खुद देखे होंगे कि मृतक परिवार को 5 लाख 7 लाख हम ही समाज से भी लोग बैठते थे और उनको मिल जाता था, और ICCL प्रबंधन कुछ भी नहीं कर रहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सड़क जाम इसलिए किए हैं कि हमारे पत्रकार साथी शशि भूषण सिंह, जो दैनिक अखबार से काम करते थे, अखबार लिखते थे, कल बीते शाम 7:30 बजे कार्य करके यहाँ से संवाद संकलन करके जा रहे थे घर, और इसी दौरान कोयला वाहन अपने चपेट में ले लिया, और जिनको चपेट में आने से ऑन स्पॉट उनकी मौत हो गई, और उसी के लेकर के हम लोग जो है मुआवजा के लेकर के हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, और जब तक हम लोगों का मुआवजा का मांग पूरा नहीं होगा यह धरना न हटेगा और न शव यहां से हटेगा। क्या मांग है आप लोगों? हम लोगों को मांग है आश्रित को 25 लाख रुपये और
एक आश्रित परिवार को एक नौकरी, सरकारी नौकरी हो, ताकि जी को उपार्जन हो और उनके बच्चों का जो है शिक्षा के लिए उनको सरकार द्वारा जो है कोई मुहैया कराए।